तो अब डिग्री हमारा निकल चुका है, अब हमको ट्रेवल पीस निकालना है। तो ट्रेवल पीस निकालने के लिए उसका भी मैंने उसी वीडियो में बताया हुआ है। तो ट्रेवल पीस निकालना है तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 340 का स्क्वायर और 340 का स्क्वायर। देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे एक झलक, ताकि समझने में आपको और आसानी हो जाए। 340 का स्क्वायर करते हैं प्लस, डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 480 mm, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, मतलब कि जो हमारा ट्रेवल पीस का जो लेंथ रहेगा वो रहेगा 480 mm। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे कटिंग करना है वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ इसका कटिंग कैसे करना है। तो सपोज कीजिए अभी हमारे पास ये सीधा वाला पाइप है इस तरीके से, ठीक है। ये दिखा देता हूँ मैं आपको पाइप, देखिए ये वाला हमने यहाँ पे पाइप लेके रखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। ये वाला हमारे पास पाइप है, इसको मैं अभी कटिंग करके दिखाऊंगा। ये 2 इंच का पाइप है, ठीक है। तो ये हमारे पास पाइप हो गया, ओके। अब मैंने अभी आपको यहाँ पे क्या बताया कि 50 mm को माइनस करना है। देखिए यहाँ पे मैंने माइनस भी किया हुआ है 50 mm, मतलब कि 25 mm इधर माइनस कर देते हैं और 25 mm इधर, मतलब 25 mm इधर हम पीस जोड़ेंगे, 25 mm इधर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे 25 mm मैं मार्किंग कर देता हूँ। ये हो गया हमारा 25 mm, ठीक है। इसको मैं मिला देता हूँ। सेम आपको इसी तरीके से पाइप में भी करना है। ये हो गया 25 mm, ओके। अब हमारा ट्रेवल पीस कितना आया था, 480 mm ये वाला, तो इसको मार दे रहा है यहाँ से 480 mm। 480 तो ये आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं अंदाज में कुछ भी यहाँ पे, चलिए एक काम करता हूँ, मैं इधर भी 25 ले लेता हूँ, तो बीच का जो भी बचेगा वो 480 आप मान लीजिएगा, हालांकि ये 480 है नहीं अभी, तो 25 यहाँ पे, ठीक है। ये साइड का मैंने 25 रख दिया, ये साइड का 25, और बीच का जो ट्रेवल का जो मेन पीस है वो 480 mm आएगा, ओके। अब इसमें आपको कटिंग करना है माइटर का, ओके। तो माइटर कैसे कटिंग करेंगे, चलिए उसका भी आपको मैं बताता हूँ तरीका। तो माइटर कैसे कटिंग करना है उसका ऊपर भी मैंने एक वीडियो अलग बना दिया है, ठीक है। पाइप फिटर ट्रेनिंग का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको फिलहाल शॉर्टकट बताऊंगा, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, ओके। तो माइटर कटिंग का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, हाफ ओडी इंटू 10 डिग्री डिवाइडेड नंबर ऑफ कट इंटू 2, ठीक है। तो हाफ ओडी मतलब कि 30 mm, 60 ओडी, 60 हमारा फुल ओडी है, तो 30 mm हो गया हाफ ओडी इंटू 10 डिग्री, मतलब कि 45 डिग्री, ओके। और डिवाइड नंबर ऑफ कट, इस वीडियो में मैं आपको सिंगल कट में ही बनाऊंगा, सिंगल कट में ही बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक हो गया हमारा नंबर ऑफ कट इंटू 2, धीरे धीरे करके मैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप जो है आपको बना के दिखाऊंगा। तो ये 30 का 30 हो गया और 10 45 डिग्री का वैल्यू, और 10 45 डिवाइड 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 22.5 डिग्री, 10 22.5। और ये जब हम कैलकुलेटर में डाल के कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 mm, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहला कटबैक रहेगा ये, अगर आपको दूसरा, मतलब कि पहला कटबैक से हम 4 सेंटर लाइन में मार्किंग कर सकते हैं, और अगर एक और कटबैक हम निकालते हैं तो उससे 8 सेंटर लाइन में हम मार्किंग कर सकते हैं, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दिया हूँ। तो अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को। तो फिलहाल मैं यहाँ पे शॉर्टकट में ही बता रहा हूँ आपको 4 सेंटर लाइन में ही बनाने के लिए, 8 सेंटर लाइन का और 16 सेंटर लाइन का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो देखिए इसका मार्किंग कैसे करना है, 12 mm आया तो आपको क्या करना है,
ये सबसे पहले पाइप में एक लाइन मारेंगे 25 में, उसके बाद 12 mm आपको इधर मार देना है और 12 mm इधर मार देना है, ठीक है। और इसको इस तरीके से ऐसे मिला देना है, ठीक है। और सेम आपको ऐसे भी इधर भी करना है, इधर भी आपको यहाँ से 12 mm लेना है और इधर भी 12 mm लेना है और ऐसे इसको मिला देना है, ठीक है। चलिए इसको मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखता हूँ पाइप में। तो ये देखिए हमने यहाँ पे पाइप ले लिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ऐसे 25 mm में एक मार्किंग करेंगे, ठीक है। ये साइड का जो हमारा पीस है वो वाला है 25 mm, और फिर जो हमारा केबल लेंथ आया था 480 mm वो वाला मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ, ठीक है। और फिर 25 mm जो हमारा लास्ट का जो मैंने पीस रखा था वो वाला, ठीक है। और तीनों को मैं यहाँ पे ऐसे राउंड इसको मार्किंग कर देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड मैंने जो है इसमें मार्किंग कर दिया है पूरा राउंड, ठीक है, देख सकते हैं। अब इसमें हमें चार सेंटर लाइन में डिवाइड करना है और इसको कटिंग करना है। तो मार्किंग का जो भी प्रोसीजर है वो मैंने बता चुका है ऑलरेडी पिछली वीडियोस में, तो आप जाके देख लीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड देख सकते हैं इसमें मैंने जो है चार सेंटर लाइन में मार्किंग कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इसी सेंटर लाइन को इधर आपको ट्रांसफर करना है, ठीक है, इधर में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लाइन डोरी का उपयोग करना है। फ्रेंड देख सकते हैं ये मैंने क्या किया है, जो एक मार्किंग जो मैंने किया था लाइन, तो उसी पे मैंने लाइन डोरी ऐसा रख के और इसको जो है इस साइड में मैंने ट्रांसफर किया है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप अलग 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 आप रख देते हैं तो आपका जो है गलत हो जाएगा, इसलिए ये लाइन जो है एक लाइन आपका ट्रांसफर होना चाहिए इधर में। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत से नए लोग जुड़े हुए हैं और उनको मालूम नहीं होता है, तो फिर उनको जो है प्रॉब्लम हो जाता है और वो समझ नहीं पाते, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा लाइन आया, तो इधर भी हमको सेम ऐसे पॉइंट मार देना है और इधर भी सेम लाइन खींच देना है इस तरीके से, राइट एंगल से चाहे तो आप खींच सकते हैं, राइट एंगल तो नहीं आएगा उतना बड़ा, तो आप यहाँ पे भी लाइन डोरी का इस्तेमाल करें ऐसे। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैंने इस साइड भी चार सेंटर लाइन में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। तो चलिए अब इसका जो है मार्किंग है वो मैं करता हूँ। तो देख सकते हैं हमारा जो कटवेक आया था वो 12 mm आया था, यहाँ पे देखिए ये वाला, ये जो हमारा 12 mm आया था, तो इसी को मार्किंग करना है 12 mm में। तो फ्रेंड मार्किंग के ऊपर भी मैंने वीडियो जो है डिटेल में बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं, पाइप फिटर ट्रेनिंग का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। तो इसको मैं 0 degree पकड़ लेता हूँ, इसको मैं 90 degree का, ठीक है। और फिर ये हमारा 0 का हो जाएगा और ये 90 degree का लाइन हो जाएगा। ओके, सेम आपको इधर भी ऐसे ही लिख देना है इस साइड में भी, ये हो जाएगा हमारा 90 degree का, ये 0 degree का, ये 90 degree का और ये 0 degree का हो जाएगा। अगर ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आप जो है उस वीडियो को देख लीजिए, पाइप फिटर ट्रेनिंग का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बिल्कुल मैंने डिटेल में बताया हुआ है। फ्रेंड्स मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि इतना डिटेल में कोई भी नहीं बताता है जितना मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, और फ्रेंड तब भी आप नहीं समझ सकते तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो चलिए अब इसको मैं मार्किंग करता हूँ, ये हो गया हमारा 0 degree का। तो देखिए मार्किंग जब भी आपको करना है तो इस तरीके से करना है, चलिए यहाँ पे फटाफट मार्किंग कर देता हूँ इसका। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे मिला देता हूँ ऐसे, आपको मिलाते समय पट्टी का इस्तेमाल करना है, ठीक।
ठीक है, तो एक साइड का हमारा मार्किंग हो चुका है, अब इस साइड में मार्किंग करता हूँ। तो जहाँ पे जीरो है वहां पे जीरो ही रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए ये मार्किंग यहाँ पे जीरो है, इधर 90 डिग्री का है, मतलब कि इधर गया हमारा जो 90 डिग्री का मार्किंग है वो इधर गया है। तो सेम आपको इधर में भी पीछे ही लेना है, मतलब कि ये जीरो है ये 90 है तो आपको इधर ही लेना है, ठीक है, न कि आगे ले लेना है, पीछे लेना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा लाइन है और लाइन से इधर गया हमारा कटबैक, तो सेम आपको इधर से इधर लेना है कटबैक, ओके। ये चीज आपको पॉइंट आउट कर लेना है, इसको जो है आप याद रखिएगा तो हो जाएगा, मतलब कि ये वाला अगर आगे गया है तो ये भी आगे जाएगा, ये पीछे आया है तो ये भी पीछे आएगा, ओके। तो सेम आपको मार्किंग कर देना है, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का, ये हो गया जीरो का, ये हो गया 90 डिग्री का, और इसको भी मिला देते हैं, और ये हो गया फिर जीरो का, ओके। तो इसको मैं मिलाता हूँ, ठीक है। तो हमारा मार्किंग जो है कंप्लीट हो चुका है, मार्किंग होने के बाद आपको एक बार चेक भी कर लेना है, जैसे देखिए ये वाला लाइन के बाद इधर हमारा आया है, और जो कटिंग होगा वो मार्किंग हमारा इस साइड आया है तो इधर भी इस साइड आया है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये वाला लाइन के इस पर आया है मार्किंग, तो इसमें क्या करेंगे, ये लाइन के आगे ले जाएंगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है। लाइन का अंदर है तो इधर भी आपको लाइन का अंदर ही रखना। चलिए इसका कटिंग करके और देखते हैं, इसका फिटिंग करके ये बराबर आता है या नहीं।